नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज, आप देख रहे हैं सक्सेना टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 में अगर आप लोग भी अपना एक नया जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आप लोग किस प्रकार से एक नया जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे, साथ ही में एक नया जाति प्रमाण पत्र बनवाते हुए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, फॉर्म को खुद से घर बैठे किस प्रकार से अप्लाई करना है और कितने दिनों में आपका जाति प्रमाण पत्र बन के आ जाएगा, इसके बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। साथ में बताएंगे कि यदि आप लोग भी किसी महिला जिसकी शादी हो चुकी है उसका यहाँ पर हस्बैंड की तरफ से आप लोग जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो उस जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से आपको अपनी मायके की रिपोर्ट मंगवा के और जाति प्रमाण पत्र में कहाँ पे कैसे अपलोड करनी है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। सो अगर आप लोग भी एक नया जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। 2023 में अगर आप लोग भी अपना एक नया जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट का होना काफी ज्यादा जरूरी है जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो इन डॉक्यूमेंट में आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। एक नया जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले नंबर पे यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप लोग आधार कार्ड के माध्यम से बड़ी आसानी से अपना जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर आपके आधार कार्ड में नाम, पिता का नाम, एड्रेस इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप लोग यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग आवेदन करने के बाद आपके जो भी एरिया का लेखपाल होते हैं उनके पास जाके आपको अपनी पूरी समस्या बतानी है कि हमारे आधार कार्ड में ये प्रॉब्लम थी जिसका हम करेक्शन करने के लिए हमने अपना नया जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है, तो हमने यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड लगाया है तो आप कृपा करके आप इसे पास कर दीजिएगा। तो ऐसी सिचुएशन में वो आपके एरिया के लेखपाल होंगे, वो वहां पर पास कर देंगे। दूसरे नंबर पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मायके की रिपोर्ट। मायके की रिपोर्ट क्या होती है और ये किन्हें लगानी है ये आप लोग यहाँ पर समझिएगा। मायके की रिपोर्ट उन लोगों को लगानी है जिस महिला की शादी हुई है और वो शादी होने के बाद अपने हस्बैंड के नाम वाला जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर मायके की रिपोर्ट देनी है। मायके की रिपोर्ट वो होगी जो भी महिला की जहां से शादी होकर आई है उसके मायके के जो भी लेखपाल होंगे वो वहां से आपकी रिपोर्ट बन के आएगी, वही आपको यहाँ पर अपने फॉर्म को फिल करते वक्त अपलोड करनी पड़ेगी। और यदि आपका भी कुछ ऐसा केस है और आप लोग बिना मायके की रिपोर्ट के माध्यम से आवेदन कर देते हैं तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ ही में मायके की रिपोर्ट किस प्रकार से अप्लाई करते हैं इस पे भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे दे दूंगा। साथ में दोस्तों यदि आप लोग अपने घर बैठे जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास 100 प्रमाण पत्र घोषणा पत्र होना अनिवार्य है। ये घोषणा पत्र क्या है, आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वीडियो के आखिरी में बताएंगे। चौथे नंबर पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मूल्यवास यानी स्थानीय प्रमाण पत्र। अगर आपके आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस गलत है तो आप लोग अपना एरिया का मूल्यवास यहाँ पर लगा सकते हैं यदि आपके आधार कार्ड में एड्रेस गलत है तो, अन्यथा इसे लगाने की आपको जरूरत नहीं है। साथ में दोस्तों जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर का होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो फाइनली यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप लोग भी बड़ी आसानी से जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2023 में एक नया जाति प्रमाण पत्र आप लोग अपने घर बैठे खुद से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने पीसी, लैपटॉप, यदि आप लोग अपने फोन से आवेदन करना चाहते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर का यूज कीजिएगा। गूगल पे आपको साधारण से टाइप कर देना ई डिस्ट्रिक्ट। आप लोग जैसे ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करेंगे पहले ही नंबर पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, ई डिस्ट्रिक्ट होम। आपको इस वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों हम आ चुके हैं ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यदि आप लोग भी यूपी में रहते हैं और आप लोग भी यूपी में जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो इसी पोर्टल के माध्यम से एक नया जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी जनसेवा केंद्र, लोकवाणी केंद्र पर जाने की आपको जरूरत नहीं है यदि आप लोग भी यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं तो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है सिटीजन लॉग इन ई साथी, आपको यहाँ पर आना है। सिटीजन पोर्टल पे आने के बाद इस पोर्टल के माध्यम से आप लोग जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पोर्टल पे आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सिटीजन पोर्टल पे किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करते हैं इस पे भी मैंने वीडियो कंप्लीट बना रखी है, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर अपना अकाउंट को क्रिएट करके यहाँ पर आप अपने अकाउंट को लॉग इन करिएगा। हालांकि मेरा इससे पहले बना हुआ है तो मैं अपने अकाउंट को यहाँ पर लॉग इन कर रहा हूँ, बाकी अगर आप लोग भी अपने अकाउंट को बनाना चाहते हैं तो लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हम सिटीजन पे लॉगिन हो चुके हैं तो आप लोग भी कुछ इस तरह से लॉगिन होंगे। और सिटीजन पे लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर पहले नंबर पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है जाति प्रमाण पत्र हिंदी।
तो आप लोगों को बता दें, हिंदी में आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, और यदि आप लोग सेंटर का जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी। तो आप लोग अंग्रेजी वाले जाति प्रमाण पत्र में अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं यदि आप लोग सेंटर का बनाना चाहते हैं तो। अन्यथा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है जाति प्रमाण पत्र हिंदी, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने जाति प्रमाण पत्र के लिए एक नया आवेदन ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, पहला आपको देखने को मिल रहा है ग्रामीण से है तो आप लोग ग्रामीण वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, और यदि आप लोग नगरीय से है तो आप लोग यहाँ पर नगरीय वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रार्थी का नाम, जिसके नाम आप लोग आवेदन कर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है, और यदि आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक नई टाइप पे टाइप करना इंग्लिश टू हिंदी। आप लोग जैसे इंग्लिश टू हिंदी टाइप करेंगे तो आपको पहले नंबर पे गूगल ट्रांसलेट देखने को मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पर अपना नाम जो भी इंग्लिश में टाइप करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरा नाम अनुज है तो मैंने यहाँ पर अनुज इंग्लिश में टाइप किया और मेरा यहाँ पर नीचे देख सकते हैं हिंदी में आ चुका है, तो मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा तो मेरा नाम आ चुका है। तो आप लोग कुछ इस तरह से भी अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं हिंदी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको अपना नाम इंग्लिश में टाइप करना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किसके माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं, पिता या फिर पति या फिर संरक्षण। यदि आप लोग पिता का नाम डालना चाहते हैं तो पिता का नाम डालिएगा, और यदि आपकी शादी हो गई तो आप पति के नाम के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसका आपको आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपनी माता जी का नाम हिंदी में टाइप करना है, और यहाँ पे पिताजी का भी नाम आपको हिंदी में टाइप करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है वर्तमान पता, तो यहाँ पर पहले नंबर पे आपका यदि मकान नंबर कोई है तो आप यहाँ पर अपने मकान नंबर को फिलअप कीजिएगा, और यदि आप लोग यहाँ पर कस्बे से रहते हैं तो आप अपने मोहल्ले का नाम लिखिएगा, और यदि आप लोग ग्रामीण से रहते हैं तो आप अपने गाँव का नाम यहाँ पर लिखिएगा। आपका जिला यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो भी तहसील लगता है वो आप अपने तहसील को यहाँ पर फिलअप कीजिएगा, और तहसील फिलअप करने के बाद आपका जो भी गांव लगता है वो अपने गांव का नाम यहां पर देखने को मिल रहा होगा, आपको अपने गांव का नाम यहां पर फिलअप करना है। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है। इसके बाद यहां पे पूछा जा रहा है कि आपका वर्तमान और स्थायी पता सेम है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे टिक करना है, और इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो आवेदन कर रहे हैं ये आपका हिंदी में हो रहा है तो आपका यहाँ पर हिंदी में जाति प्रमाण पत्र बन के आएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी जाति सिलेक्ट करनी है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आता है, और यहाँ पे अनुसूचित जाति SC होता है और अनुसूचित जनजाति ST होता है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जाति को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उपरोक्त जाति में पूछा जा रहा है कि आपकी OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी पिछड़ी जाति में कौन सी जाति आती है, तो आपकी जो भी जाति लगती है वो आप यहाँ पर अपनी जाति को सिलेक्ट कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पर मैं अहीर फिलअप कर रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रमाण पत्र बनवाने का क्या कारण है, तो आपका जो भी कारण है जैसा कि स्कॉलरशिप के लिए या फिर एडमिशन के लिए या फिर पेंशन के लिए, जो भी आपका रीजन है आप लोग वो यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने जाति प्रमाण पत्र इससे पहले आवेदन किया है, यदि आपने किया है तो हाँ करके उसका नंबर दीजिएगा, और यदि नहीं किया है तो आप लोग यहाँ पर नहीं रखिएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपने आवेदन इससे पहले जाति का किया है और आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है तो भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगला ऑप्शन देखने को मिल रहा है आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया तो आपको यहाँ पर हाँ ही रखना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी फैमिली में, यदि आपकी फैमिली में राशन कार्ड है तो आप उसका राशन कार्ड की आईडी दे सकते हैं, अन्यथा इसे यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो सबसे पहले नंबर पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चॉइस फाइल पे क्लिक करना होगा, और आपने जहाँ भी अपना फोटो डाला है उस फोटो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फोटो अपलोड हो चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे उसका साइज 50 KB से लेकर 100 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये फॉर्मेट आपका JPG का होना चाहिए, तभी आपके फॉर्मेट अपलोड होंगे। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है स्व प्रमाण पत्र घोषणा पत्र, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको एक घोषणा पत्र फिलअप करना है। घोषणा पत्र आपको सामने कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा होगा, ये घोषणा पत्र आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप लोग इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस फॉर्मेट में आपको क्या क्या डिटेल फिलअप करनी है वो आप यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है,
यहाँ पर आपको अपना फुल नाम लिखना है जैसा कि आप सर्टिफिकेट पे चाह रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिता पति या फिर पत्नी का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर आपको अपनी माता जी का नाम फिलअप करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपके पिता या फिर माता जी या फिर पति एस्पायर हो गए तो आपको यहाँ पर स्वर्गीय जरूर लगाना है, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ में यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि, साथ में दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप निवासी यानी कहाँ के रहने वाले हैं, वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। आपका थाना क्या लगता है, आपका व्यवसाय क्या है, आपकी आय कितनी है, यहाँ पे आपका वर्ग क्या है, जाति क्या है आपकी, ये आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। यहाँ पे उपजाति क्या है, ये आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। आपको आधार कार्ड के क्या नंबर है, 12 डिजिट आपको यहाँ पर लिखने हैं। आपका स्थान क्या है और जब आप लोग आवेदन कर रहे हैं उस आवेदन की दिनांक क्या है, यहाँ पर आवेदक के सिग्नेचर करने हैं, जिसके नाम आपने ये फॉर्म को भरा है उसके सिग्नेचर यहाँ पर कराने हैं, उसी का यहाँ पर आपको एक फोटो लगाना है। और ये सारी डिटेल भरने के बाद आपका 100 प्रमाण पत्र घोषणा पत्र तैयार हो जाएगा। आपको इसे स्कैन करके 100 KB के अंडर इसे रखना है और इसे यहाँ पर फॉर्म में अपलोड करना है। तो फॉर्म में अपलोड करने के लिए आपको चॉइस फाइल पे आना होगा और आपका जहां भी पड़ा है उसे आपको सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह से और अपलोड कर देना है। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं हमारा फोटो और 100 प्रमाण पत्र घोषणा पत्र अपलोड हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड लगाएंगे। तो यहाँ पर आधार कार्ड लगाने के लिए अन्य में आएंगे और अन्य में आने के बाद यहाँ पर लिखेंगे आधार कार्ड की छाया प्रति, जो कि आप लोग हिंदी में यहाँ से लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिख दिया आधार कार्ड की कॉपी, तो आपको कुछ इस तरह से भी लिखना है और यहाँ पे चॉइस फाइल पे आना है और आपको अपना आधार कार्ड सिलेक्ट करना है, अपलोड कर देना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फोटो, 100 प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र, आधार कार्ड की कॉपी, ये सारी डिटेल अपलोड हो चुकी हैं। इसके बाद आप लोग अपना जाति प्रमाण पत्र का प्रूफ, जानी जो भी आपकी मायके की रिपोर्ट है, यदि आप लोग महिला के आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का मायके की रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पर अन्य में आए और यहाँ पर लिखिएगा मायके की रिपोर्ट, उसके बाद चॉइस फाइल पे आएंगे और इसे भी कुछ इस तरह से अपलोड कर देंगे। हालांकि मैं यहाँ पर मायके की रिपोर्ट अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि खुद का ही आवेदन कर रहा हूं, तो मुझे आवेदन करने के लिए यहां पर मायके की रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। ये सारी डिटेल आपको फिलअप करने के बाद आपको दर्ज करे का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं हमारा जो जाति प्रमाण पत्र का एक नया आवेदन है वो यहां पर हो चुका है। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं हमारे जाति प्रमाण पत्र का जो भी आवेदन है इसका पूरा प्रारूप हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो इसे आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है और फॉर्म को चेक करने के बाद आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, इसे आप लोगों को नोट कर लेना है। और नोट करने के बाद आपको फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन ठीक लगती है तो आपको इस फॉर्म में सबसे नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करे हुए दिख रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको एक नीचे ऑप्शन देखने को मिल रहा है सेवा शुल्क का भुगतान के लिए, यहाँ पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सेवा शुल्क भुगतान करने के लिए हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन संख्या है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यदि आप लोग इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करेंगे पेमेंट तो आपको यहाँ पे 5 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा और यदि आप लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करेंगे तो आपको यहाँ पर 18 रुपए का बैंक चार्ज देना पड़ेगा और यदि आप लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करेंगे यूपीआई के थ्रू तो आपको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। फी पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर सबमिट का एक बटन मिल रहा है, इस पे क्लिक करना है और सबमिट करने के बाद हमारा जो भी सर्विस हमने ये वाली यूज की है इस पे हमें यहाँ पर 15 रुपए का गवर्नमेंट फी पेमेंट करना है। तो ये 15 रुपए फी पेमेंट करने के लिए प्रोसीड विद पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये वेबसाइट थोड़ा रीलोडिंग में चल रही है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा हम वेट करते हैं। लोडिंग में चलने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट मेथड है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। टोटल पेमेंट हमें 15 रुपए का करना है। ये पेमेंट हम यहाँ पर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, QR, UPI के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आप लोग डेबिट कार्ड से करते हैं तो आपको यहाँ पर 18 रुपए का बैंक चार्ज देना पड़ेगा और यदि आप लोग इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 5 रुपए का बैंक चार्ज देना पड़ेगा और यदि आप लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको केवल 15 रुपए का चार्ज पे करना पड़ेगा। तो हम आपको यहाँ पे सजेस्ट करेंगे UPI के माध्यम से पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के लिए आपको मेक पेमेंट पे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी एक्स्ट्रा फीस आपसे नहीं लग रही है, आपको बस प्रोसीड विद पेमेंट करना है और प्रोसीड विद पेमेंट करने के बाद आपका जो भी पेमेंट का QR है ये ओपन हो जाएगा। इस पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है QR स्कैन करके। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपका जो भी आवेदन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग पेमेंट की रिसिप्ट निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रसीद वाले ऑप्शन पे आना होगा
और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपनी आवेदन संख्या डालनी है और यहाँ पर क्लिक करना है, आपकी रसीद यहाँ से निकले आएगी। और यदि आप लोग अपने आवेदन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आवेदन की स्थिति यहाँ पर आपको क्लिक करना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है जो भी आपका आवेदन संख्या है, और यहाँ पे सर्च करना है, आपकी आवेदन की स्थिति जो भी होगी आपके सामने शो हो जाएगी। अब बात करेंगे यदि आप लोग भी अपने जाति प्रमाण पत्र को डाउनलोड करना चाहते हैं, यदि आपका भी जाति प्रमाण पत्र बन के आ गया है तो आपको आना होगा निरस्तीकरण आवेदन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी आवेदन आ गए होंगे वो सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जैसा कि डोमोसाइल के लिए आवेदन किया तो आप डोमोसाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने आवेदन को चेक कर सकते हैं, और यदि आपने इनकम के लिए अप्लाई किया तो आप लोग इनकम वाले ऑप्शन पे आके देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं मैंने इससे पहले इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था तो मेरा आय प्रमाण पत्र बन के आ चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और ये आय प्रमाण पत्र 11/2/2023 को मेरा आया है। तो यदि आपका भी कोई भी सर्टिफिकेट आता है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो फाइनली दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा वो आपके सामने कुछ इस तरह से डाउनलोड होके आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा वही आय प्रमाण पत्र है जो 11/2/2023 को जारी हुआ था और यहाँ पे मैंने आप लोगों को डाउनलोड करके लाइव दिखा दिया है। इसके बाद आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको नीचे कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है प्रिंट का। आप लोग इस प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने जाति प्रमाण पत्र का प्रिंट आउट कलर में निकलवा के अपने पास रख सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपका जाति प्रमाण पत्र इलेक्ट्रिसिटी द्वारा आपको प्राप्त किया गया है जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। इस सर्टिफिकेट पे किसी भी सिग्नेचर और मोहर की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। और यदि आपके जो भी अधिकारी हैं जो इस प्रमाण पत्र को लेने से इनकार करते हैं तो यहाँ पर उनका भी लिखा हुआ है कि आप लोग चाहें तो ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल के माध्यम से इसका सत्यापित कर सकते हैं, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उन्हें दिखा सकते हैं और आपका भी ये जाति प्रमाण पत्र वैलिड रहेगा। तो फाइनली दोस्तों कुछ इसी तरह से आप लोग अपना एक नया जाति प्रमाण पत्र 2023 में ₹15 में आवेदन कर सकते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में मैंने कंप्लीट जानकारी दी है। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक करो, अपने अदर फैंस के साथ जरूर शेयर करो, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।